हयात हॉस्पिटल भोपाल में कोरोना से जंग जीतने वाले 18 जमाती प्लाज्मा डोनेट करने के लिए चिरायु हॉस्पिटल भोपाल पहुंचे। रमजान चल रहे हैं और सभी जमातियों का रोजा था, इसलिए रोजा खोलने के बाद यह जमाती ब्लड डोनेट के लिए बिल्कुल तैयार है। तकरीबन 18 जमाती हैं जो पूरी तरह ब्लड डोनेट करने के लिए स्वस्थ है। यह सभी जमाती हयात हॉस्पिटल में क्वारंटाइन किए गए थे। जैसे जैसे सभी जमातियों का क्वारंटाइन का वक्त पूरा होता जा रहा है, वो धीरे धीरे सहूलियत के हिसाब से अपने अपने घर लौट रहे हैं। जितने जमाती यहाँ मौजूद थे उन सबको दिन भर में खबर मिली कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के शिकार मरीजों को प्लाज्मा की ज़रूरत है। क्या आप सब में इन्हें ब्लड डोनेट करेंगे ताकि कोरोना के मरीजों के लिए प्लाज्मा तैयार किया जा सके? सभी जमातियों को मालूम पड़ते ही ये सभी जमाती एकदम तैयार हुए और ब्लड डोनेट करने के लिए प्राइवेट वाहन से चिरायु हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। मेरा नाम असदुल्ला है, मैं जमात का साथी हूँ। हमारे 15 से 20 साथी हैं जो ब्लड डोनेट करने के लिए जा रहे हैं, और आगे भी जो ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे साथी और हम जो है उसके लिए तैयार हैं। जी, हमारे बड़ों से कहा गया है कि हमें प्लाज्मा डोनेट किया जाए। हमें बहुत खुशी होती है, हमारे वजह से किसी का घर बन जाए, किसी की जान बच जाए, किसी के घरों में खुशी हो जाए। मज़हब का कोई इसमें लेन देन नहीं है, बल्कि इंसानियत हमारी असल है जी। हमको यही क्या है ताकीद किया जाता है, इंसानियत को बचाया जाए, इंसानियत को बाकी रखा जाए, और हम इसी लाइन से चलते हैं। और हम इसीलिए क्या है प्लाज्मा भी डोनेट करते हैं ताकि सारे दुनिया के इंसान सही रहे, अच्छे से सही सालिम रहे, खुशी से रहे। ये जो प्लाज्मा देने के लिए जा रहे हैं, कहाँ से खबर आई आपकी? जी, हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी मसूद साहब की तरफ से भी और डी आई साहब की तरफ से कि ये जो लोग हैं अगर ये खैर के काम कर सकते हैं और आगे बढ़ के प्लाज्मा डोनेट करें पब्लिक के लिए तो सोशल वेलफेयर में एक बहुत अच्छा कॉज हो सकता है जी। तो मैंने इन लोगों से बात करी, ऐसा था तो उन्हें फ़ौरन तैयार हो गए। उन्होंने बोला कितने लोग चाहिए, तो हमने कहा 5-7 चाहिए, तो उन्होंने कहा हम 10 लोग तैयार हैं। फिर उसका बाकी लोग आ गए, तो इस तरह से 18 लोग फ़ौरन इमीडिएटली तैयार हो गए कि हम और आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको डोनेट करने को तैयार हैं। मैं तो इनके साथ में जा रहा हूँ, है ना, इनके खिदमत में लगे हम लोग जी। तो चिराई हॉस्पिटल से खबर आई थी गोयंकल जी से कि प्लाज्मा डोनेट करना है, इन लोगों सबको तैयार करा। तो सभी साथी हमारे तैयार हैं प्लाज्मा देने के लिए, सारे धर्मों के लिए तैयार हैं, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग इस मुल्क के अंदर रहते हैं जो प्रजातंत्र है और सारे धर्मों का मुल्क है। हम चाहते हैं कि हमारे साथियों का खून किसी ऐसे इंसान के काम आए जो भाईचारा इस देश के अंदर कायम कर रखे, इसलिए हम सभी तैयार हैं इसके लिए। आपका नाम? डॉक्टर शादाब जी। अभी आप ये जो प्लाज्मा देने जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं? अभी 10 से 12 लोग जा रहे हैं हम लोग। वहाँ से खबर आई थी प्लाज्मा की ज़रूरत है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। कहाँ से खबर आई थी आपको? ये जो बाहर से ऑफिशियल आए थे उन लोगों ने, हम तो अंदर थे, हम लोगों को बताया तो यहाँ 30 लोग हैं, सबके सब तैयार हैं देने के लिए, लेकिन अभी 12 लोग जा रहे हैं। आगे भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग जाएंगे? बिल्कुल, आगे के लिए भी तैयार हैं। हम तो निकलते हैं इसलिए अल्लाह के रास्ते में ताकि अपनी आत्मा को बनाएं, नमाज को बनाएं, अपने ध्यान को दुरुस्त करें और सारे इंसानों की भलाई में भी कोशिश करें। और उस भलाई में ये भी शामिल है कि लोगों की इस तरह से प्लाज्मा से मदद की जाए और भी भटके को रास्ता दिखाया जाए, ये सारी चीज़ों को सीखने और बनाने के लिए निकलते हैं, तो ये काम भी उसमें शामिल है। अच्छा, तो अभी कब तक निकलेंगे आप लोग? बस अब गाड़ी आने वाली है, उसका वेट कर रहे हैं हम लोग। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।